नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। अगर कोर्ट कचहरी के लगा रहे हैं चक्कर, आपके दुश्मन भी कर रहे हैं परेशान, घर में भूत प्रेत का सता रहा है डर, बच्चों को अक्सर नजर लगती रहती है, ऐसे में गोमती चक्र आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, गोमती चक्र एक तरह का स्टोन होता है जिसके तांत्रिक प्रयोग किए जाएं तो इस तरह की तमाम कई परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। तो आज कार्यक्रम में जानेंगे गोमती चक्र के तांत्रिक प्रयोग, साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। कोर्ट कचहरी के लगा रहे हैं चक्कर, दुश्मन भी कर रहे हैं परेशान, भूत प्रेत का सता रहा है डर। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से गोमती चक्र के तांत्रिक प्रयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के मध्य सिर्फ एक ही विशेष तिथि है, जो है 9 दिसंबर मंगलवार के दिन। इस दिन गणेश चतुर्थी पड़ने वाली है, तो 9 दिसंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों के राशिफल का हाल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आने वाले सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आने वाले सप्ताह में आप बहुत ज्यादा भावुक यानी इमोशनल रहने वाले हैं, इसलिए किसी के बोलने से भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो लोगों की बातों का बहुत ज्यादा तनाव आपको नहीं लेना चाहिए, उनको बहुत गंभीरता से आप मत लीजिए। साथ ही साथ परिवार में माताजी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको परेशान करेगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय लेना आपके लिए इस समय में सही नहीं होगा। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है, आपका स्वाभिमान भंग होगा। ऑफिस में या बिजनेस में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ आर्थिक नुकसान या कहीं लापरवाही के चलते कोई बड़ा धोखा मिल जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। इस आगामी सप्ताह तमाम जो ये अशुभ स्थितियां बन रही हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए आपको देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप करिए और अपने कार्यों में अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप जरा भी लापरवाही मत बरतिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह महादेव की कृपा से आप तन और मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। परिवारजनों के साथ पारिवारिक विषयों में आप चर्चा भी कर सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिले, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं इस आगामी सप्ताह में। भाग्य वृद्धि का योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। भाई बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में। प्रिय व्यक्ति के साथ और सार्वजनिक सम्मान आपको मिले, मान सम्मान मिले, ऐसे भी लक्षण बनते हैं आपके लिए। व्यापार में वृद्धि होगी तथा प्रतिस्पर्धियों को आप परास्त कर सकेंगे। इस आगामी सप्ताह को बहुत अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, शुभ लाभ लेने के लिए आपको पूरे हफ्ते भगवान शिव यानी महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव का अभिषेक आप करते रहिए, तनाव लेने से बचें तो आपका सप्ताह बहुत ही शुभ होगा। चलिए आप जान लेते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़े विलंब या अवरोध के बाद आप निर्धारित रूप से कार्य को पूरा कर सकेंगे और उसका लाभ आप ले सकेंगे। आर्थिक आयोजन सफल कर सकेंगे। मिष्ठान भोजन का संयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह सप्ताह मध्यम कहा जा सकता है।
स्नेहजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी और आनंद के पल कुछ आप व्यतीत कर सकेंगे। नौकरी व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत बहुत मजबूती से मिलते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, आपके आगामी सप्ताह को सफल बनाएगा। किसी गरीब व्यक्ति का आपको अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी स्थिति परिस्थिति का आप मजाक ना उड़ाएं, उपहास ना करें। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में आप सराबोर रहेंगे और मित्रों, कुटुंबजनों और सगे संबंधियों के सहभागी भी बनेंगे। आपके जो दोस्त मित्र हैं उनकी भी भूमिका रहेगी आपके इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने में। भेंट, उपहार, सौगात, सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने फिरने का कोई आप कार्यक्रम बना सकते हैं, कुछ ऐसा आयोजन कर सकते हैं। मांगलिक अवसरों में आपको सम्मिलित होने के अवसर प्राप्त होंगे। आनंददायक प्रवास होगा, धन लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आप कर पाएंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माता पार्वती की विशेष तौर पर पूजा आराधना करना आपके इस सप्ताह को बहुत अच्छी शुभता और सफलता प्रदान करेगी। भोजन किसी भी प्रकार से आपके समक्ष आए व मां अन्नपूर्णा का स्वरूप होता है तो इसका आप अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष संभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। गलतफहमी पैदा ना हो आपके अपने लोगों के बीच में, बात कोई भी करते समय कोई विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आपको नित्य प्रति 108 बार करना चाहिए और ध्यान रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। चलिए बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति हो सकती है। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन होगा। स्त्री मित्र विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। उनके संपर्क से, उनके किसी कॉन्टैक्ट से आपका कोई बड़ा काम हो सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको पूरे हफ्ते करनी चाहिए। अपने क्रोध, अपनी उत्तेजना, अपने गुस्से को नियंत्रित रखें तो बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए संयोग बनेंगे। माताजी की तरफ से लाभ मिलेगा। गृह सजावट का काम यानी इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप अपने हाथ में, अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, वो आपके कार्य की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का, कलीग्स का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी फिटनेस बनाए रखने में सफल होंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने विशिष्ट जनों का, वरिष्ठ जनों का आप अपमान ना करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की राशि सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का आप अनुभव कर सकते हैं। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध खड़े होंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह आपको देता हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है कि छोटी छोटी बात में आपके उच्चाधिकारियों से आपके विवाद हो जाए, क्लेश की स्थिति आए, उससे आपको बचना चाहिए। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान के संबंध में चिंता आपको परेशान करेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको कर लेना चाहिए। इससे आपको सुख व सफलता की प्राप्ति होगी। अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ आप करें, इसका प्रयोग करें। कोई आपकी सहायता मांगने यदि आता है तो आप उसे मना मत करिए। यथासंभव, यथा सामर्थ्य उसकी सहायता आप अवश्य करिए।
अब देख लेते हैं धनु राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, अन्यथा आपके अपने क्रोध के चलते, आपके अपने व्यवहार के चलते, उग्र व्यवहार के चलते अनर्थ की स्थिति, नुकसान की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है। वातावरण में, प्रकृति में हो रहे परिवर्तन में, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण सर्दी और कफ का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर ज़्यादा खराब हो सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। इस समय में मानसिक व्यग्रता का आप अनुभव करेंगे, खर्च में वृद्धि होगी, गलत मित्रों की संगत कुसंगति आपको कुमार्ग पर न ले जाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है, तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिए और गलत मित्रों की संगत से दूर रहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों क्या साप्ताहिक राशिफल क्या कुछ क्या रहा है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए विचार व्यवहार में भावुकता विशेष मात्रा में रहने वाली है, फिर भी आप परिवारजनों और मित्रों के साथ खुशी पूर्वक समय व्यतीत कर पाएंगे। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। दलाली ब्याज कमीशन से आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। उसके साथ साथ भागीदारी में भी लाभ मिलेगा। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी फायदा मिल सकता है। सार्वजनिक जीवन में, आपके सोशल लाइफ में, आपके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखते हैं। साथ ही साथ इस आगामी हफ्ते में यात्रा की भी प्रबल संभावना बनती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना आपका मार्गदर्शन करेगी। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें और अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित अनियमित मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किए गए कार्यों में आपको यश, कीर्ति और सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी राशि के और नक्षत्रों के लक्षण कहते हैं। परिवार में मेलजोल बना रहने वाला है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता बहुत अधिक रहने वाली है। नौकरी में साथी और कर्मचारी आपका बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। काम में धन खर्च होगा। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की पराजय की स्थिति आपके लिए बनती है, यानी आप अपने शत्रुओं पर बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण बना सकते हैं। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। शनि चालीसा, शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के पुराने विवाद को इस समय में छेड़ना नहीं चाहिए। कोई विवाद चल रहा हो तो उसे आगे मत बढ़ाइए। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह क्या कुछ कह रहा है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना बहुत पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में आपकी सृजनात्मकता प्रकट हो सकेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह जो है बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी जनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। शेयर सट्टे में आपको लाभ होगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। इस समय में थोड़ा सा आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो प्रभावित हो जाए, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आपकी अपनी पूजा का क्रम हो, उस पूजा के उपरांत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए। आप उनकी आरती करना ना भूलें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और बहुत ज़्यादा चिंता करने से, तनाव लेने से, अपने दिमाग पर जोर देने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे गोमती चक्र के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। गोमती चक्र के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, आज हम लोग गोमती चक्र के कुछ तांत्रिक प्रयोगों के बारे में जानकारी करेंगे। गोमती चक्र की बनावट को यदि आप देखें तो उसके ऊपर चिकने भाग पर हिंदी के 7 अंक लिखे होते हैं, और वो बनता कैसे है, जब वो गोमती नदी में तैरता है पत्थर, तो वो पानी के कटाव से उस पर धारियां बन जाती हैं, वो 7 के अंक में वो धारियां बनती चली जाती हैं।
इस अंक को अगर आप समझेंगे अंक शास्त्र के अनुसार, यह सात का अंक जो है यह राहु का अंक कहा जाता है, और पानी की वस्तु जिसे चंद्रमा का रूप दिया जाता है उसके अंदर इस अंक के होने से यह राहु कृत प्रभावों को दूर रखने के लिए अपनी युति को प्रदान करता है, साथ ही बेकार की शंका को दूर करने में सहायक होता है। जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति होती है वे इसे चांदी की अंगूठी या पेंडेंट के रूप में बनवा करके धारण भी कर सकते हैं। होली, दिवाली और जो खास तिथियां आती हैं, खासतौर पर होली, दिवाली, नवरात्र, इसके अलावा जो और भी तिथियां होती हैं, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, इस प्रकार के जो विशेष योग होते हैं, इनमें गोमती चक्र की पूजा आराधना करके अगर आप अपने लिए इसको सिद्ध करके रखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग में, रवि योग में, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, इन विभिन्न मुहूर्तों पर गोमती चक्र की पूजा करके उसको विशेष कार्य के लिए सिद्ध करके अपने पास रखना बहुत ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं में से कुछ खास प्रयोग, किस प्रकार से, किस समस्या के निदान के लिए आप इन गोमती चक्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके के योग हर दो तीन दिन में, चार दिन में आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि जैसे योग जो हैं वो हर दो चार दिन में एक बार बनते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सिद्ध करके अपने पास रखें और जीवन में उसका लाभ लें। किसी भी रवि पुष्य योग में गोमती चक्र को प्राप्त करके चांदी की डिब्बी में, अगर चांदी की डिब्बी में इत्र लगा करके आप उसको रखते हैं, अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं गोमती चक्र को, तो घर में सुख शांति बनी रहती है, शांति का वातावरण स्थापित होता है और माता लक्ष्मी के आपके घर में आने का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यापारियों को एक बर्तन में, एक पात्र में गोमती चक्र रख करके उस पात्र को जल से भर देना चाहिए, यानी पानी से भर देना चाहिए, और हर दिन नित्य प्रति जो है आप जल को परिवर्तित करते रहें। हर दिन बासी जल आप फेंक दीजिए, नया जल उसमें आप भर दीजिए, तो व्यापार में लाभ होता है, आपकी दुकान में जो है बिक्री लगातार बढ़ती रहती है, आपको अच्छा फायदा मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि एक गोमती चक्र को 11 श्वेत गुंजा के साथ कपड़े में लपेट करके किसी रोगी व्यक्ति के सर के अगर आप नीचे रखें तो रोगी को जल्द ही अपने रोग में आराम मिलने लगता है, ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। चौथा उपाय यह है कि इसे अपने बच्चे के गले में यदि आप बांध देते हैं तो उसको नजर नहीं लगती, तो एक गोमती चक्र लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, और उसको अगर बच्चे के गले में आप धारण करा दें तो अगर उसको नज़र इत्यादि की कोई समस्या रहती है, बार बार नज़र लगती है, टोक लगती है, तो वो नज़र लगना बंद हो जाएगी। पांचवा गोमती चक्र का उपाय यह है कि अपने जन्मांक की संख्या में जेब में रख करके अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, अगर आपके साथ कोई मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं, कोई न्यायिक वाद विवाद की स्थिति है, तो कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आप छूट जाएंगे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, आपको उससे मुक्ति मिलेगी, ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। छठा उपाय यह है कि शत्रु पग की मिट्टी के साथ, यानी जहां पर शत्रु जिस स्थान से गया हो उसके पैर की मिट्टी आप उठा लीजिए, उस मिट्टी के साथ गोमती चक्र को जल में आप प्रवाहित कर दें तो शत्रु जो है वह अपनी शत्रुता त्याग करके आपका मित्र बन जाएगा। ये प्रयोग जो है सर्जन के आकर्षण का प्रयोग है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी को भी मोह सकते हैं, बहुत माना हुआ प्रयोग है। तांबे के पात्र में 7 गोमती चक्र रख करके उसका पानी पीने से उदर के रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं, यानी पेट से संबंधित समस्याएं जिनको रहती है उनको 7 गोमती चक्र किसी पात्र में रख करके बासी जल उसका पीना चाहिए, यानी रात में आप पानी रख दीजिए और अगले दिन सुबह पीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आठवां उपाय यह है कि 4 गोमती चक्र अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, परिक्रमा जिस तरीके से करते हैं हम लोग घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घुमा करके चारों दिशाओं में शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन यदि आप फेंक आवें तो तांत्रिक अभिकर्म समाप्त हो जाता है। यानी अगर आपको ऐसी आशंका है या आपको ऐसा विश्वास है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। नौवां उपाय यह है कि गोमती चक्र की भस्म को शहद में मिला करके पैरों के नाखून में लगाने से वात रोग यानी गैस की जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल जो है वह शांत हो जाता है, उससे उत्पन्न दर्द जो होता है, वात रोग से उत्पन्न जो दर्द होता है वह भी शांत हो जाता है। साथ ही साथ पैर के अंगूठे में लगाने के बाद इसको अगर आप पैर के अंगूठे में लगाते हैं तो आपके नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है, यानी आपकी आईसाइट भी और स्ट्रांग होती है। दसवां उपाय यह है कि गोमती चक्र कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है,
विभिन्न तांत्रिक कार्यों के निवारण के लिए और उसके साथ साथ असाध्य रोगों में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है उनके निवारण के लिए। असाध्य रोगों को दूर करने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 10 गोमती चक्र लेकर के रात को पानी में डाल देना चाहिए और सुबह उस जल को पीना चाहिए। इससे पेट के भी रोग दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। जिस तरीके से कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया कि चंद्रमा और राहु का इसके साथ सीधा संबंध है, तो अगर आप इस जल का पान करते हैं तो चंद्रमा और राहु की अशुभ स्थिति में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। 11वां उपाय यह है कि धन लाभ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखें, उनके सामने ओम श्री नमः या फिर ओम श्री श्रीये नमः का आपको जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी कार्य करेंगे इसके बाद उसमें आपका मन लगेगा और आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा भी इस प्रयोग से प्राप्त होती है। 12वां उपाय है कि गोमती चक्रों को यदि चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर तथा अक्षत डाल करके रख दिया जाए तो आप जिस भी काम के लिए जिस भी मनोकांक्षा के साथ आप रखते हैं उस कार्य में आपको सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। 13वां उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में भूत प्रेत का उपद्रव बहुत ज़्यादा हो तो भूत प्रेत के उपद्रव को शांत करने के लिए 2 गोमती चक्र लेकर के घर के मुखिया के सिर के ऊपर से घुमा करके आग में यदि आप डाल देते हैं, उसको जला देते हैं, तो घर के ऊपर से भूत प्रेत का जो भी दोष है वह समाप्त हो जाता है। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो इस पॉइंट को, इस उपाय को आप बहुत ध्यान से सुनिए। 14वां उपाय आपके लिए ही है। प्रमोशन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो 1 गोमती चक्र आपको लेना है। 1 गोमती चक्र लेकर के शिव मंदिर में आप चले जाएं और भगवान शिव से प्रमोशन की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आप इसे चढ़ा दीजिए और सच्चे हृदय से अपने प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना करें। निश्चय ही आपके प्रमोशन के लिए नए रास्ते खुलेंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत जल्दी आपको अपने प्रमोशन से जुड़ा हुआ शुभ समाचार प्राप्त होगा। 15वां उपाय यह है कि यदि घर में बीमारी बहुत ज़्यादा रहती हो या किसी व्यक्ति का रोग बार बार उभर जाता है, शांत ना हो रहा हो, तो ऐसे में आपको करना ये कि 1 गोमती चक्र को लेकर के उसे चांदी में पिरो करके रोगी व्यक्ति की शैया पर यानी उसके पलंग के पाए पर आप बांध दीजिए। उसी दिन से उस व्यक्ति का रोग जो है वह शांत होने लगेगा, उसको रोग में आराम मिलने लगेगा। तो देखिए कितने चमत्कार की चीज़ है ये गोमती चक्र, प्राकृतिक चीज़ है। पूर्णतः इसका जो लाभ है वह हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। तो निश्चित ही आशा करता हूँ कि जो उपाय, जो टिप्स आपको मैंने आज बताए हैं, इनको अपनी आवश्यकता अनुसार आप अपने जीवन में प्रयोग में अवश्य लाएंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।